तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस एल है, कैपेसिटेंस सी है एंड रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी वोल्ट अक्रॉस एल एंड सी एंड आर, यहाँ पे कनेक्टेड है ये वाली चीज़, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ है, कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ करेंट थ्रू द, जो पीक करेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है 10√2। तो ये कहता है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इस सर्किट की हमें इम्पीडेंस निकालनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पूरे सर्किट की इम्पीडेंस मतलब क्या होता है, ये पूरा सर्किट कुल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मुझे उसकी वो वैल्यू चाहिए, कुल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो चाहिए, समझ में आया। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रही है वो किसी भी इंस्टेंट आई आरएमएस, तो इस सर्किट का जो जेड आ जाएगा, जेड जो आ जाएगा वो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस, ठीक है ना। और यहाँ जो दे रखा है, ये जो दे रखा है वो दे रखा है आई नॉट, तो पीक करंट जो होता है वो पीक करंट वो √2 टाइम्स आई आर एम एस के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू 10√2 यहाँ से दिया हुआ है। तो यहाँ से आई जो आर एम एस आ जाएगा वो 10 एम्पियर यहाँ से आर एम एस करेंट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर एम एस डिवाइडेड बाई 10। अब कुल मिला के मुझे इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में ही मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी आर एम एस निकाल के रख देना है और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसे निकाला जाए वी आर एम एस, आई होप कि आपको फार्मूला पता होगा कि वी आर एम एस निकालने का जो था फार्मूला पता है, वी आर एम एस, वी आर एम एस किसी भी इंस्टेंट जो होता है, तो वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द वी आर एम एस ही है कैपेसिटर माइनस इंडक्टर का स्क्वायर यहाँ से और √2, ठीक ना, ये वाली चीज़, ठीक ना। तो यहाँ से तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ 40 का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस यहाँ से इंडक्टर, यहाँ एल होता है, ये एल है और ये सी है, तो यहाँ से 40 − c का 10 का स्क्वायर यहाँ से √2, ठीक ना। तो जब इसको मैं सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600, और यहाँ से आ जाएगा 30 का मतलब ये स्क्वायर यहाँ से, तो कुल मिला के यहाँ से 10 बाहर आ गया, और ये 16 प्लस यहाँ से ये 9 इसका स्क्वायर आएगा, 9 दैट इज़ 25, दैट इज़ 5, तो 50 जो बोल्ट है वो भी आर एम एस इस सर्किट का हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों आ गया, आई आर एम एस आ गया और बी आर एम एस, तो ये दोनों वैल्यू इसी इक्वेशन में कर दो, तो इस सर्किट का जो जेड बन जाएगा वो आ जाएगा 50/10, दैट इज़ यहाँ से 5 ओम इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। तो कुल मिला के अपना देखोगे जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। थैंक यू।